हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल आर के आई स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, आज है 16 जून। आज का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल आर के यादव स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। फ्रेंड्स, आज 16 जून है। 16 जून के आज हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। कोसेरा की ग्लोब स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो स्किल्स रिपोर्ट 2021, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कौन स्थान पर रहा? तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। ऑप्शन में दिया है 67वें स्थान, 29वें स्थान, 34वें स्थान, नॉन ऑफ दिज, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होता है, आंसर हम देखते हैं। तो इसका होगा फ्रेंड्स 67वें स्थान पे रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 67वें स्थान पे भारत रहा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या चीज़ में? तो कोर्सेरा के ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में। इसका देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें फ्रेंड्स क्या होता है। तो महत्वपूर्ण बातें मैं इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, कोर्सेरा की ग्लोब स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत 67वें स्थान पर रहा। भारत इस रैंकिंग में व्यापार के मामले में 55वें स्थान पर रहा। यानी भारत जो है कोर्सेरा की ग्लोब स्किल्स रिपोर्ट 2021 में ये 67वें स्थान पर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत इस रैंकिंग में व्यापार के मामले में 55वें स्थान पर रहा। फ्रेंड्स, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 55वें स्थान पर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में भारत जो है 66वें स्थान पर रहा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, कोर्सेरा की ग्लोब स्किल्स रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग रहा, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया देश रहा। यानी कोर्सेरा की जो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 है, पहले स्थान पर कौन रहा फ्रेंड्स, तो स्विट्जरलैंड रहा, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से इसको रीडिंग कर लीजिए। कोर्सेरा के वर्तमान सीईओ कौन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने बार आ चुका है। तो कोर्सेरा के जो महत्वपूर्ण कोर्सेरा के जो वर्तमान सीईओ है वह जेफ मैगोनाकाल्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला दे रखा है कि कोर्सेरा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको अच्छा से देख लीजिए। तो कोर्सेरा का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आप सबके बीच। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी किस वर्ष तक शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी? वाई विच ईयर द इक्वेरियन स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द इनविजन मिशन टू विनूज। यानी फ्रेंड्स, इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी किस वर्ष तक शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करेगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, वर्ष 2028, वर्ष 2026, वर्ष 2024, वर्ष 2030। तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहने वाला है। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो दे रखा है कि महत्वपूर्ण बातें, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वर्ष 2030 तक शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी जो 2030 तक जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है फ्रेंड्स 2030 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें दे रखा है फ्रेंड्स कि इनविजन मिशन का मुख्य उद्देश्य शुक्र और पृथ्वी पर जीवन के लक्षणों की खोज करना और वहां के वातावरण पर स्टडी करना। ईएसए नासा की मदद से इस मिशन को लॉन्च करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस, इसको याद कर लीजिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो जोहान डिट्रिच वर्नर है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? तो जोहान डिट्रिच वर्नर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन कि लॉन्च पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक होम इन द वर्ल्ड, इसका जो है लेखक कौन है फ्रेंड्स?
तो ऑप्शन में दे रखा है आपके सामने, चार ऑप्शन है, चंदन सिंह रनौत, विकास जोशी, अमर्त सेन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसके आंसर है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध लेखक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने होम इन द वर्ल्ड ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है। कौन फ्रेंड्स? तो अमर्त्य सेन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा नंबर अमर्त्य सेन होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें में इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण बातें, प्रसिद्ध लेखक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने होम इन द वर्ल्ड ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें अमर्त्य नाम देने और कोलकाता के प्रसिद्ध कॉफी हाउस में मार्क्स और कीन्स के विचार की याद को साझा किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अमर्त्य सेन की इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, हु वन द मेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे इसमें ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, राफेल नडाल, एस्टोफोनस सितसिपास, नोवाक का जोकोविच, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका देखते हैं आंसर क्या रहने वाला है इसका। फ्रेंड्स फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच, ये रहा आपका तीसरा आंसर, नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में देख लेते फ्रेंड्स क्या क्या है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता। ठीक है फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। आगे चलते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता और महिला युगल का खिताब कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष युगल का खिताब पियरे ह्यूंगस हॉर्बर्ट और निकोल्स माहुत ने जीता। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ पे विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? इसमें ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, 14 जून, 12 जून, 6 जून, 16 जून। इसका आंसर क्या रहने वाला फ्रेंड्स? तो 14 जून। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसमें क्या है कि हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता और रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 के थीम गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बेटिंग रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 के में जापानी, रोम, इटली देश ने की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हर साल 14 जून को लेड स्टिनर की जयंती पर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है जो रक्त का खोज किया। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार वर्ष 2004 में इस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व रक्तदाता दिवस मनाया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आयुष मंत्रालय ने योग के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ठीक है फ्रेंड्स, तो विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर योगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है, नमस्ते योग, सेफ योग, डेली योग, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। जिसमें महत्वपूर्ण बात है, आयुष मंत्रालय ने योग के लिए नमस्ते योग नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, अच्छा से देख लीजिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो दे रखा है कि आयुष मंत्रालय ने योग के लिए नमस्ते योग नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय बी विथ योगा बी एट होम रखा गया। आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2021 के 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मोरारजी देसाई योग संस्था के सहयोग से आयोजित करने की घोषणा की है। नमस्ते योग एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच इस योग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और समुदाय के सभी लोगों को योग पर
योग पर लाभों के बारे में बताना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस अभिनेता ने फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप पहल संभव शुरू किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। विच एक्टर स्टार्टेड द फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप इंटीटेटिव संभवम। इसमें ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, ऋतिक रोशन, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सोनू सूद। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सोनू सूद। आगे देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें दे रखा है। तो महत्वपूर्ण बातें हैं फ्रेंड्स, भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने गरीब बच्चों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप पहल संभव की शुरुआत की। आईएएस की तैयारी के गरीब इच्छुक छात्रों के लिए अभिनेता सोनू सूद ने स्लोगन भी जारी किया है। करनी है IAS की तैयारी, हम लेंगे आपकी जिम्मेदारी। करनी है IAS की तैयारी, हम लेंगे आपकी जिम्मेदारी। तो ये भारतीय फिल्म अभिनेता ने IAS कोचिंग स्कॉलरशिप पहल संभव किया है फ्रेंड्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। संभवम पहल सूद चैरिटी फाउंडेशन और दिया दिल्ली फाउंडेशन की एक पहल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता 2021 में? तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है दामिनी सिंह रावत, कल्पना रावत, मेघा राजगोपालन, और इनमें से कोई नहीं थी। इसका होगा फ्रेंड्स राजगोपालन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राजगोपालन ने पुलित्जर पुरस्कार जीता। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कुछ बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 में जीता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। इस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार 2021 का 105वां संस्करण आयोजित कराया गया, जिसकी शुरुआत वर्ष 1918 में अमेरिका में जन्मे जोसेफ पुलित्जर की याद में मनाया जाता है। पुलित्जर जो पुरस्कार दिया जाता है ये जोसेफ पुलित्जर की याद में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 में शम्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स 8 जून, 11 जून, 13 जून, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज। तो आंसर में देखते हैं फ्रेंड्स इसका क्या होगा, 13 जून। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से आंसर होगा फ्रेंड्स 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स, दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्ति को मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2021 की थीम स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स रखी गई है। ठीक है, 4 मई 2006 को पहली बार एल्बिनो दिवस मनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मनाया गया था इसमें तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 2014 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव आया था, और 13 जून 2015 को हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में दे रखा है सावित्री राठौर, मेघना यादव और निर्जला सेन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में इसमें फ्रेंड्स दे रखा है सावित्री राठौर को फ्रेंड्स ओडिशा का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सावित्री राठौर को नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, सावित्री राठौर ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली तीसरी न्यायाधीश बनी है। इससे पहले अमीय कुमारी पाधी और संजू पांडा ओडिशा हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थी। ओडिशा के वर्तमान गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? तो गणेशी लाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओडिशा की राजधानी का क्या नाम है? तो भुवनेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, ओडिशा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स।